गठबंधन की सरकार से इस ठगबंधन की सरकार हुई। इस सरकार ने विशेष रूप से जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने 2019 में यहाँ की युवाओं से ये वादा किया था कि भाई मेरी सरकार आएगी तो मैं 5 लाख लोगों को नौकरियां दूंगा, और अगर मैं नौकरी नहीं दे पाया तो मैं 5,000 और 7,000 रुपये युवा बेरोजगारों को दूंगी। आज तक उन्होंने इस वादे को पूरा नहीं किया, और जिसके वजह से आज यहाँ के लाखों लाख आबादी जो है, युवा आबादी, दर दर भटकने को विवश। आज इनके वादे पर भरोसा करके एक बहुत बड़ी आबादी ने, युवा आबादी ने गठबंधन की सरकार को बनाने का काम किया, लेकिन आज ये इतने नाराज है, आज ये युवा सड़कों पर है और आंदोलन करने को विवश है। जब ये आंदोलन करने या अपनी बात को रखने जाते हैं तो ये झारखंड सरकार उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाती है। तो ये तो इनकी नीतियाँ हैं। इन युवाओं के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई वादे और भी किए, जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने कहा था कि भाई जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनको हम लोग परमानेंट करेंगे, लेकिन उन अनुबंध कर्मियों को भी इन्होंने परमानेंट नहीं किया, और वो भी जब अपनी मांग को रखने जाते हैं तो उनके ऊपर भी लाठियां और आंसू गैस दागे जाते हैं। इसके साथ ही इन्होंने छात्रों के साथ में जो वादा किया कि हम खासकर जो महिला छात्र हैं, महिला बच्चियाँ हैं, प्राइमरी से लेकर के PhD तक, इनको हम फ्री एजुकेशन देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे। जो एक भी बच्ची आज ऐसी नहीं है जिसको मुफ्त शिक्षा मिल रही हो, और सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति अगर झारखंड में देखी जाए तो एजुकेशन सिस्टम की है। आज कई यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आज VC नहीं है, Pro-VC नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दिया। इन बच्चियों को ना मुफ्त शिक्षा आज मिल रही है, और ना ही झारखंड सरकार ने जो वादे और किए थे वो इसका लाभ यहाँ की बच्चियों को, छात्रवृत्ति हो या शिक्षा हो, ये सुविधाएं इनको नहीं मिल रही हैं। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ के महिलाओं के साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए। आज पूरा सरकारी तंत्र सिर्फ एक योजना के पीछे लगा हुआ है, मैया सम्मान योजना। इस मैया सम्मान योजना का इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इतना उसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई यहाँ की महिलाओं को सम्मान मिल रहा है? आज दुमका जैसे जिले में, जो खुद मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जिला है, जहाँ से वो अपनी चुनावी ये करते हैं, उस जिले में भी आज महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। और आज कल्पना सोरेन जी पूरे प्रदेश में घूम घूम करके प्रचार कर रही है महिला सम्मान योजना की। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उनका जो गृह जिला है वो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर गिरिडीह जिला है, रांची जिला है और गढ़वा जिला है। आज महिलाओं के साथ इतना अपराध हो रहा है कि हर दिन करीब 21 मामले दर्ज हो रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड मैं बता रही हूँ, और इस हिसाब से हर महीने 658 मामले दर्ज हो रहे हैं, जिसमें 185 दुष्कर्म के मामले हैं, 170 अपहरण के मामले हैं, 80 छेड़खानी के मामले हैं, 17 दहेज के लिए हत्या के मामले हैं, और 206 दहेज प्रताड़ना के मामले हैं। लेकिन इस पर ये सरकार चुप्पी साधे बैठी है। आज झारखंड की आदिवासी पहाड़ी महिला को कई टुकड़ों में काट के फेंक दिया जाता है, आज तक उसके लिए सरकार ने कोई एक आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई। आज एक बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है, आज उसके लिए भी सरकार ने एक शब्द नहीं बोले, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्हीं महिलाओं के साथ उन्होंने जो वादे किए थे कि भाई हम 2,000 रुपये आपको चूल्हा खर्च देंगे, वो खर्च इन्होंने दिया ही नहीं। ये 2019 में उन्होंने कहा था, और ये 24 आते आते वो 1,000 हो गए। तो कैसे लोग इन पर विश्वास करें? आज महिलाओं को नौकरी में 50% आरक्षण की बात इस सरकार ने कही, लेकिन आज एक भी महिला को कहीं आरक्षण नहीं मिल रहा है, ना ही सरकारी कामों में कहीं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। तो सरकार को जवाब देना चाहिए। आज सिर्फ महिला युवा ही नहीं, बल्कि किसान की भी अगर हम बात करें तो किसानों को भी इस सरकार ने ठगने का काम किया है। आज धान खरीद का समर्थन मूल्य सरकार ने ही घोषणा किया था कि 2,500 रुपये देंगे, लेकिन वो प्रति क्विंटल आज वो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सरकार नहीं दे पा रही है, जिसके वजह से आज
धान की कालाबाजारी हो रही है या मजबूरन किसानों को दूसरे राज्यों में जाकर के धान बेचना पड़ रहा है, उन्हें पौने दामों में अपने धान को बेचना पड़ रहा है। इस सरकार ने कहा था कि 5 साल के भीतर हम सिंचाई नेटवर्क 5 गुना बढ़ा देंगे, लेकिन आज किसी भी किसान के खेत में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। ये सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। आज यहाँ पर जो खासकर अगर हम इस जिले की बात करें, जिले के लिए चाईबासा जिले के लिए सरकार ने वादा किया था कि इसे हम उप राजधानी बनाएंगे। चाईबासा, मेदिनीनगर और हजारीबाग को उप राजधानी का दर्जा देने की बात इस सरकार ने कही थी। उप राजधानी तो छोड़ दीजिए, आज यहाँ की सड़कों की स्थिति इतनी बुरी है, यहाँ के लोगों की स्थिति इतनी दयनीय है, आज यहाँ लोग मजबूरन विवश होकर के बाहर काम करने को जा रहे हैं, रोजगार के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, और इस सरकार के पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा की आवश्यकता आन पड़ी। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जन जन तक सरकार के झूठे वादों को हम लोग पहुँचाए और जनता के बीच में उनके पोल खोलने का हम लोग काम करें। इस सरकार ने और भी कई वादे किए थे, अगर मैं विशेषकर ये जगन्नाथपुर के बारे में हम लोग बात करें, जगन्नाथपुर विधानसभा के लिए भी सरकार से हम लोगों ने कई एक बार मांग किया, लेकिन आज तक हेमंत सोरेन ने कभी इस पर बात नहीं की और ना ही इस पर काम करने का कभी प्रयास किया। पिछले दिनों हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि खदान खोलो, यहाँ 40 खदानें ऐसी हैं जो आज भी बंद हैं। हमने कई बार सरकार को मौखिक तौर पर भी, लिखित तौर पर भी, हर स्तर पर मुख्यमंत्री को हमने बताने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने इन खदानों को खोलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और मजबूरन यहाँ की जो युवा है, यहाँ की जो आबादी है, वो अपना पेट पालने के लिए पलायन